यूपी के सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की पढ़ाई का तरीका अब बदलने वाला है। बच्चों की पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए अब कठपुतली का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बच्चे हंसते खेलते सीख सके। ये है मिस्टर सिटी और ये मैं हूँ नैना। मैं आज से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी कूड़ा इधर उधर नहीं डालूंगी हमेशा। ये कोई मेले में लगने वाला कठपुतली का शो नहीं है, ये मास्टर जी की क्लास है जहाँ वो कठपुतली को एजुकेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अध्यापकों को कठपुतली बनाने और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़ी ही महत्वपूर्ण एक कार्य योजना है कि उसमें कला, क्राफ्ट, पपेट और संगीत के माध्यम से ये चार चीजों को शामिल की करके एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। यहाँ अध्यापक कागज और कपड़े से कठपुतली बनाने, उनके मुताबिक पढ़ाई करवाने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में कम से कम एक ऐसा अध्यापक हो जो उस विद्या में माहिर हो और इसके इस्तेमाल को बढ़ा सके। गीता जी अगले साल रिटायर हो जाएंगी लेकिन फिर भी वो सीख रही हैं ताकि बच्चों को आसानी से सिखा सके। बच्चों का काम है खेल खेल में शिक्षा देखना। इसके पपेट्स के माध्यम से हम बच्चों को हिंदी में पोयम भी बता सकते हैं, कविता, कहानी, प्राकृतिक चीजें और ये जैसे मतलब इमारतें वगैरह, वो भी हम पपेट्स के माध्यम से उनको बता सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र का 2017 में CAG ऑडिट हुआ। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2011 से लेकर 2016 के बीच 8वीं क्लास तक आते आते 1,21,00,000 से ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था। सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों में 2010 से 2016 के बीच बच्चों की संख्या 18% घट गई, जबकि प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या इस दौरान 36% बढ़ गई। यानी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिलचस्पी बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक कदम है। नमस्कार, मैं हूं पपेट वाला ताऊजी और मैं आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रहा हूं। जी हाँ, ये पपेट वाले ताऊजी यूपी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में मदद करने वाले हैं और ये सारे टीचर्स पपेट्री के जरिए बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोशिश ये है कि बच्चों को आसान और सरल तरीके से पढ़ाया जाए, बच्चे स्कूल आने में इंटरेस्ट दिखाएं और जो उन्हें पढ़ाया जाए वो जिंदगी भर उनके पास रहे। और इस कोशिश में पपेट्री एक माध्यम बन रही है, यानी डाइंग आर्ट माने जाने वाली पपेट्री एजुकेशन को भी बचाएगी, सरकारी स्कूलों को भी बचाएगी और खुद पपेट्री का वजूद भी बचा रहेगा। पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा।